जय हिंद जय भारत आई इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, जय हिंद जय भारत जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बताइए जी। जी, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो मैं कुछ प्रश्न पहले आपसे पूछ लूँ, ताकि जो आप ये टॉपिक रखें उस पर क्लैरिटी आ जाए। बताइए क्या टॉपिक पूछना है। तो टॉपिक जो आपने रखा है गांधी के बारे में, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांधी की कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है और किस चीज़ के बेसिस पे आप मतलब ये कमेंट कर रहे हैं, या अब केवल मैंने अंबेडकर क्या जी का? पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा, सुनिए सुनिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उस पे हम नहीं जाते हैं, आप अपने प्रश्न रखिए। चलिए नहीं, तो जो आप ये चीजें कह रहे हैं तो कुछ तो बेसिस होगा ना, या तो अंबेडकर जी का जो कमेंट्री है हाँ ओपिनियन ना, उस पे आप पूछिए ना कह। तो आप बेसिस बताएंगे ना, आप सवाल तो पूछिए भाई, बेसिस आपको बिल्कुल बताएंगे, आप हाँ, रखिए तो तो सवाल। गांधी जी ने क्या किताब लिखी अब जरा बताएं आप। तो गांधी जी की मैं ऑटोबायोग्राफी कह रहा हूँ कि थॉट्स। ओके, ऑटोबायोग्राफी माय तो उन्होंने खुद नहीं लिखी है, मैं आपको ये भी बता दूं, गांधी जी ने भी भाई, ऑटोबायोग्राफी खुद नहीं लिखी है, आपको ये पता है? ऑटोबायोग्राफी बैठा के लिखवाया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने हाँ, उन्होंने पूरे। बैठा के हाँ लिखवाया, खुद नहीं लिखा है उन्होंने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, आप कहें आप। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से आ रहा है कि गांधी जी की मतलब ये जो भी चीजें चलती है अश्लील कैसे क्या है, या जो उनके 100 कमेंट्री उनके ऊपर लिखी गई है, या बाबा साहब का जो इंटरप्रिटेशन, किस बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई हमने यहाँ पर किताबें पर बात की है, अगर आपके पास कुछ कहना है तो आप अपनी किताब लेकर आओ, बाकी हम मॉरल टीचर जी हमारे बीच हैं। मॉरल टीचर सर, जय भीम सर आपको। जय भीम सर, सभी दर्शकों को जय भीम और सभी पैनलिस्ट को जय भीम। जी सर, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो उसी में डार्क जी रियलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या उसको शॉर्ट्स में नहीं मेरे बता सकते भाई, हैं जय क्या? हिंद जय भारत जी। देखिए, गांधी जी जो थे हमेशा अछूतपन को हटाने की बात करते थे, उन्होंने हरिजन संघ भी उन्होंने बनाया था, पर अगर आप हिस्ट्री का अवलोकन करें ठीक तरीके से, तो उनका जो काम था वो मतलब अछूतपन को हटाने के लिए वो कारगर साबित नहीं हुए जो उनके मेथड थे। और वो जो थे वर्ण व्यवस्था पे पूरा वो मानते थे, जातिवाद पे पूरा वो मानते थे, और जो अपर क्लास जो था, जो 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 बिजनेसमैन क्लास था, वो उनके हितों की रक्षा की वो बात करते थे। वो ये दिखाते ज़रूर थे कि हम गरीबों के साथ है, हम अछूतों के साथ है, पर वो एक्चुअली में उनका जो मन रहता था और उनका जो मत रहता था वो हमेशा रूलिंग क्लास की तरफ रहता था, ये हमको नज़र आता है, और ये डार्क रियलिटी हमको दिखती है। अब आप बताएं। जीवन के उनके जीवन के प्रारंभिक समय से तो आपसे मैं सहमत हूँ कि वो जातिवाद को पूरा प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब प्रारंभ में अरे भैया, उनके प्रारंभिक समय क्या होता है, 1935 1940 मैंने बता दिया, और क्या बचा? मैं वही एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपकी। आप देखेंगे तो पहले वो अपने बेटे की अंटर कास्ट मैरिज के लिए टोटली अगेंस्ट में थे, लेकिन लेटर फेज में उन्होंने अपने बेटे की इंटर कास्ट मैरिज कराई, ठीक है, जो उनकी उनका जो वे, मतलब कि लेटर फेज में वो लोग जो भी देखें उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो पूरी रूढ़िवादी था उनके अंदर विद्यमान थी, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब गांधी से उनका इंटरेक्शन हुआ, जब गांधी से उनका डिबेट हुआ, तो उन्होंने चाहे वो कहे हो कि हाँ अपर क्लास अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, तो लेटर फेज में अपर क्लास ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लिया, वो अनदर सब्जेक्ट और टॉपिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो विचारधारा थी वो पुनर्निर्माण की विचारधारा थी, अंबेडकर जी की नवनिर्माण की विचारधारा थी। तो पुनर्निर्माण नवनिर्माण की विचारधारा ऐसा नहीं था कि कल्चर के हर एलिमेंट को छोड़ दें, उन्होंने कहा कि जो भी बैड एलिमेंट है उनको हमको नकार देना है, जो सही चीज़ है उसको स्वीकार करना है। आप ये कह रहे हैं कि वो जातिवादी अपने जीवन के अंतिम समय थे, उसका मैं मूलभूत आधार जानना चाहता हूँ, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि अंतिम समय तक वो जातिवादी थे? ये तो हमने कहा ही नहीं, यहाँ पर समय की बात तो हमने करी करी नहीं, पर जो हम टाइमलाइन देखते हैं और जितना हम उनका काम देखते हैं, वो कभी भी अछूतों के हित में नहीं था। मैं उनके आप प्रारंभिक समय मुझे में पूरी स्वीकार कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ नहीं नहीं उनके सर जीवन के सर देखिए, एक्चुअली प्रारंभिक। क्या है ना, आप हाँ लॉजिक दे रहे हैं, आप किताबों से साबित करेंगे ना तो हमको ही पढ़ के मजा आएगा। किताब से साबित साबित करना, मैं सिंपली लॉजिक, अगर लॉजिक ये है जो कि लॉजिक किताब से की बात सोशली नहीं होती ना, जय एक्सेप्टेड हिंद जय भारत जी। आप नहीं किताब बनती। लेकर आए और किताब से हमको बताएं कि इसमें ये चीजें हुई है, तो हमको भी जान के बड़ा मजा आएगा। अभी देखिए, अभी आप दो तीन बातें कहेंगे, मुझे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा उसमें। अभी नहीं, जैसे आपने मुझे क्लेम इतना कर दिया पता कि है कि गांधी जी आप का मन बदल दिया था, इतने चीज से तो आप रूबरू जय हिंद जय होंगे कि भारत उन्होंने जी। यहाँ अपने पर क्या बेटे हो रहा है को देखें इतने आप, हाँ
आपने आपने अभी ये क्लेम किया कि गांधी जी का मन बदल गया था, अब मेरे को इसको क्लेम को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैंने सिंपली आपको कहा कि अपने पहले बेटे को इंटरकास्ट मैरिज के लिए टोटली अगेंस्ट में थे, लेटर फेज में उन्होंने एक्सेप्ट किया ये चीज। अभी आप कहिए कि क्लेम गलत है, ये मुझे अगर ये कैसे दिखाया ना मेरे भाई, क्या ये मतलब ये फैक्ट जो किताबों से दिखा है, एक्सेप्ट किया किताबों से दिखा है कि उन्होंने इस पे मनन किया है। अच्छा वैसे इनसे पूछिए, वो गांधी जी ने इंटरकास्ट मैरिज अपनी लड़की की कौन सी जाति में करवाई थी? मैटर ये नहीं किस जाति में कराए, इंटरकास्ट मैरिज हुआ है नहीं, क्या हो रहा है मॉरल टीचर जी, आप आ रहे हैं और जा रहे हैं? नहीं नहीं मैं तो अंदर ही हूँ ना, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू। बताइए ना भाई किस जाति में हुई थी, बताइए ना इंटरकास्ट मैरिज हुई थी किस जाति में हुई थी, फर्क पड़ता है ना भाई, हम बताएंगे ना आपको। मॉरल टीचर सर क्या अपने आप क्यों आप नीचे ऊपर हो रहे हैं, न्यूटन जी आपका कर्सर देखिए कहीं ऑटोमेटिक काम तो नहीं कर रहा? नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। हाँ जयंत भाई यार बताओ ना किस जाति में हुई थी इंटरकास्ट मैरिज? अरे मैं कह रहा हूँ आप जाति बताइए ना तो फिर अगर। अरे मैं क्यों बताऊँ भाई, आप लेके ओ भाई मैं क्यों बताऊँ ये इंटरकास्ट की जब बात हो तो थोड़ा रुकिए ना जयंत भाई, अरे रुक जाओ ना भाई, तसल्ली से बात करते हैं ना, फैक्चुअल बात करते हैं। आप मुंह से गपोड़े हुए शब्द को आपके फेस वैल्यू पे हम नहीं लेते हैं ना, हम यहाँ पर कोई भी बात करते हैं तो उसका एक आधार होता है, उसका एक प्रमाण होता है, ऐसे कोई बेसलेस बात यहाँ पर की नहीं जाती। असल बात यह है कि आपने जो बोला कि उन्होंने लेटर पीरियड में जो इंटरकास्ट मैरिज अपने बेटे की करवाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। पहले मेरा एक जो सवाल है उसका जवाब दीजिए कि किस जाति में हुई थी, ये मुझे नहीं पता, ये आपका क्लेम है तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि इंटरकास्ट मैरिज हुई थी तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस जाति में हुई थी, तो आप इसका जवाब दीजिए पहले। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि गांधी जी वैश्य कम्युनिटी से आते थे, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताइए। हाँ आगे बताइए। तो उनके बेटे की जो भी मैरिज हुई होगी, अगर लोअर में भी होगी या अपर में भी होगी, वो दोनों इंटरकास्ट है मैरिज, अभी ये कंसर्न नहीं करता। तो मैं ये कह ही नहीं रहा, अरे मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ भाई लोअर या अपर की, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किस जाति में हुई थी। मैंने अभी ये सवाल पूछा, ये फैक्ट चेक की बात है, ये तो खुद आप कर सकते हैं, इसमें तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिए आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं आते ना डिबेट के लिए, अरे बताएंगे ना भाई उसका आधार बताएंगे, हम आधार बताएंगे, आपको जानकारी होगी तो फिर हम उसका आधार बताएंगे ना, आप पूरी जानकारी लेके आइए ना यार। मैं तो सिंपली कह रहा हूँ ना कि आप बताइए, मुझे नहीं पता कि किस जाति में हुई, तो आप एक्सप्लेन करिए। अरे तो फिर आपको ये कैसे पता कि इंटरकास्ट मैरिज हुई थी जब आपको जाति नहीं पता? तो हुई थी, तो अगर जाति नहीं पता, अरे तो इंटरकास्ट यार इंटरकास्ट दूसरी जाति में ही तो माना जाएगा जो दूसरी जाति में शादी कर रहा है, तो जाति का तो पता होना चाहिए ना। इंटरकास्ट मेरे भाई यार, अब जैसे मान लीजिए मेरी जाति एक्स है, अगर आप कोई कहते हो कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है तो आपको पता होना चाहिए ना मैं कौन सी जाति में शादी की है। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके जातिवादी चेहरे को, अभी थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा आपका जातिवादी, जो आप भेड़िया का खोल ओढ़ के आए बस उसकी परतें उधरने में समय नहीं लगता यहाँ पर, तो बताइए जरा, आपको यही नहीं पता है फिर हम आपको बताते हैं ना। हाँ मॉरल सर आप कुछ बात करना चाह रहे क्या? हाँ मैं पूछ रहा था ये कौन से बेटे की बात कर रहे हैं, गांधी के काफी चार बेटे थे ना? देवदास। नहीं नहीं न्यूटन जी आप क्यों बता रहे हैं, नहीं बताने दीजिए ना। नहीं अच्छा ये बताएंगे, ठीक है। मैं मणिलाल की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मणिलाल की बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब क्या पॉइंट क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि गांधी के जो प्रारंभिक समय हर जीवन के हर भाग में वो जातिवादी थे, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। नहीं इस बहस में मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें गांधी के शुरुआती समय को मान के चलना है या बाद के समय को मान के चलना है? मुझे बाद के समय मान के चल रहा हूँ, शुरुआती समय मान किए गए उनके सारे कामों को खारिज करें हम। हाँ मैं उनके सारे अधिकाधिक नहीं सारे कामों को खारिज नहीं करें, आंदोलन किए वो भी खारिज नहीं, नहीं नहीं ये मैंने कहा ही नहीं। किस समय से लेके चलना है गांधी को, हमें किस समय से लेके चलना है आपके हिसाब से? अम्बेडकर जी के साथ जो डिबेट उनका हुआ था उसके बाद जी नहीं, टाइम बताइए मुझे आप किस टाइम से गांधी को गांधी मान रहे हैं और उससे पहले के गांधी को खारिज कर रहे हैं, मैं उस आपकी चेरी पिकिंग को जानना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, जब ये प्रॉमिस हुए कि अपर क्लास ये सारे जो होंगे अपने साथ साथ परिवर्तन लेके आएंगे, परिवर्तन मतलब कि जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन का, उसके बाद की मैं अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, उसके पहले के अम्बेडकर की। अरे सर मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, वो पूना पैक्ट में जो वादा हुआ था दोनों के बीच 1931 के बाद के गांधी को आप मानते हैं, उससे पहले के गांधी को खारिज करते हैं?
ये मैंने कहा ही नहीं, मैं कहा कि उनके पहले के उनके जो सोशल एक्टिविटी है, कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो दावा किया कि गांधी के शुरुआती जीवन में जातिवादी थे, बाद में उन्होंने मानना बंद कर दिया था, तो आप मैंने पूछा कब से, आप कह रहे हैं 1932 के बाद से, तो मैं पूछ रहा हूँ 1932 से बाद के गांधी पे अपन चर्चा करी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि 1932 में जब दोनों के सीधी बात बोलो ना यार, सर आप इतनी जलेबियां क्यों घुमा रहे हो। 1932 के बाद गांधी जातिवादी थे, वर्णवादी थे या नहीं, इस पे बहस करें क्या? हाँ, मेरा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चलिए बता दीजिए, फिर 1932 के बाद गांधी ने कब कहा कि वो वर्ण व्यवस्था को त्यागते हैं और जाति व्यवस्था को त्याग? नहीं नहीं नहीं, बात त्यागने की नहीं है, बात उनके जो बात त्यागने की होती है ना सर, बात त्यागने की होती है, नहीं बिल्कुल बात त्यागने की। आप जाति और वर्ण को त्यागे बगैर ये दावा नहीं कर सकते कि आपने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को त्याग दिया। मतलब अगर आप उसके कार्यशील प्रयोग देखेंगे कि वो व्यक्ति एकदम रिनाउंस करे, नहीं मैंने आज जाति त्याग दिया, उससे आप करें। फिर कैसे माना जाएगा सर, कैसे मानेंगे गांधी जातिवादी नहीं है और वर्णवादी नहीं है? तो फिर उनके कार्य देखिए ना कि जो व्यक्ति पहले से अपने क्या किया गांधी ने जाति और वर्ण के परिपेक्ष में क्या किया बताएं मुझे। वही मैं के बाद गांधी ने ऐसा काम क्या किया जिससे हम ये मान लें कि गांधी जातिवाद और वर्णवाद को त्याग चुके थे, धर्मांतता को त्याग चुके थे? इसीलिए कह रहे हैं कि 1933 में जब देखेंगे तो अपने बेटे के 1932 के पहले अपने बेटे की शादी के लिए वो मतलब सैटिस्फाइड नहीं थे इंटरकास्ट मैरिज के, लेकिन गांधी होते कौन बेटे की शादी की रहजमंती देने और ना देने वाले? भैया लिबरलाइजेशन है, बेटा क्या करेगा, उसे शादी करनी है? दैट वाज दैट वाज नॉट द टाइम गांधी मालिक के बेटे के, गांधी ने क्या अपने बाप से एक लड़का तो इस्लाम धर्म भी अपना लिया था ना, एक लड़का गांधी तय करेगा भाई? नहीं नीतन जी, गांधी कौन होते भाई, यही तो वर्णवाद है, यही जातिवाद है, गांधी है कौन ये भाई ये तय करने का उसका लड़का क्या करेगा नहीं करेगा, यही तो आपकी पूरा क्लेम है ना, हम यही तो बात कर रहे हैं। गांधी जातिवादी हैं, वर्णवादी हैं, वर्चस्ववादी हैं और ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मणवादी 1930 की सोसाइटी में आप वहाँ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करें, आज करें तो ठीक है सर, ये भी जातिवाद का एक प्रकार है कि आप ये तय करें कि आपके बच्चों की शादियां कहाँ होंगी, ये भी जातिवाद का एक प्रकार, ये भी एक किस्म का श्रेष्ठवाद है, उच्चवाद है, जातिवाद है, ठीक है, ये आप ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत है। गांधी ने नहीं तय किया ना, गांधी को तय करना चाहिए कि उसके बच्चे कहाँ शादी करेंगे, और गांधी अगर ऐसा कर रहे थे बहुत गलत कर रहे थे, वो सर जातिवादी थे। अब ये ओपिनियन आपका परसेप्शन है, वो इंडिविजुअल है, मैं आपके भी परसेप्शन को क्यों लेने वाला हूँ यहाँ पे सर, आपके भी पर्सनल ओपिनियन परसेप्शन है, गांधी 1932 के पहले के गांधी को नहीं मानना, 1932 के बाद के गांधी को मानना, चेरी पिकिंग करते रहिए सर, चेरी पिकिंग हम तो ओवरऑल गांधी को लेते हैं, मेरा परसेप्शन नहीं है, नॉट इंडिविजुअल इन नेचर। अरे आपका इंडिविजुअल है, आप मुंह चला रहे हैं, अभी तक रेफरेंस कुछ नहीं दिया आपने यहाँ से, अभी तो आप यही डिनाई करने को, उन्होंने अपने बेटे का इंटरकास्ट मैरिज नहीं करा, आप लोगों ने मैंने तो डिनाई किया ही नहीं है सर, मैंने तो उस मुद्दे पे बात नहीं की, आजाद जी जो बैठे हैं, अरे उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया सर, थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लिया करो, मैं ये पूछ रहा था किस जाति में किया भाई, थोड़ा समझ क्यों यार अपनी बातें यहाँ पर थोप रहे हो, जयंत भाई थोड़ा सुन लिया करो, कान वान ना थोड़ा खोले खुल के रखा करो, उसमें ना ये अगर कुछ फंसा हुआ है तो ठीक करवा लो जाके कान, या समझने की शक्ति कम है तो फिर पहले जाके अपना इलाज कराओ। मैंने ये बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज की थी वो किस जाति में की थी उसके बारे में बताइए, ये नहीं बोला था कि नहीं की थी, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखिए और कान भी दोनों। हाँ सर बताइए, तो गांधी ने 1932 के बाद ऐसा क्या अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया जिससे सिद्ध हो कि वो जातिवादी नहीं है, वर्णवादी नहीं है, धर्मांध नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है? मैंने कहा ना उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कराई, उससे किसकी कराई? अपने बेटे की। उससे क्या हो गया सर, इंटरकास्ट मैरिज कराने से ये कैसे हो गया कि गांधी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विरोधी हो गए? नहीं, एक व्यक्ति जो उसी के 5 साल पहले वो टोटली उसके अगेंस्ट है कि नहीं मेरे बेटे का इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, फिर उसके बाद वो ये चीज एक्सेप्ट करता है, ये आपको चेंजेस नहीं दिखता। नहीं कहाँ एक्सेप्ट किया उन्होंने कि जातिवाद वर्ण व्यवस्था के विरोधी है, ऐसा कहाँ बोला उन्होंने? अरे अगर इंटरकास्ट मैरिज कराना वो वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट में है, आपको चीज पता होगा सर, ये थोड़ी बात होती है सर, एक्सेप्शन होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो सबके एक्सेप्शन है, बीजेपी के तमाम नेता हैं जिनके मुस्लिम, बीजेपी के तमाम नेता हैं जिनके जिनके दामाद मुसलमान हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्लिम और लव जिहाद की बातें करते हैं,
गांधी ने कब कहा कि सब लोगों को अंतर जाति विवाह करना चाहिए, और गांधी ने कब प्रमोट किया अपने किस भाषण में कि समाज के सभी लोग जातिवाद से बाहर निकलकर अंतर जाति विवाह करें? प्रश्न ये है, उन्होंने ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया, 5 साल बाद? ये आपका प्रश्न है सर, हमारा प्रश्न नहीं है गांधी 5 साल पहले क्या कह रहे थे और बाद में क्या कह रहे थे। हमारा प्रश्न बड़ा साफ है कि गांधी ने कब इस बात का प्रोपोगेट किया कि किसी को भी वर्ण व्यवस्था छोड़ देनी चाहिए और अंतर जाति विवाह करनी चाहिए? मेरा कंसर्न ही वो नहीं है, मेरा कंसर्न जो था, मेरा भी कंसर्न वो नहीं है जो आप बता रहे हैं सर। अब कोई बात ही नहीं भी है, प्लीज कह रही हूं, ठीक है, चलिए सर, बात नहीं है तो किताबें पूरा अक्टूबर मनाइए सर, गांधी जयंती के दिन जाइए, मनाइए गांधी जयंती। हम तो मनाएंगे सर, मनाइए ना सर, हमने कब मना किया? हम नहीं मना रहे तो आपको तकलीफ किस बात की? जय हिंद भाई, मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं भाई बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मॉरेटेचर जी बहुत अच्छे घेरा है आपने, ये बोल रहा है कि 1932 वाले के बाद गांधी को मैं मानता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। ये मैंने कहा ही नहीं सर, ये आप लोग अपने से बोल रहे हैं। अभी तो बोला, अभी अच्छा कौन से सन से आप मानते हो गांधी को? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझे समय दो तो मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1932 के पूर्व जब पूना पैक्ट हुआ तो जो वादा हुआ अम्बेडकर जी, ये हंसने से ये अच्छी निशानी नहीं है किसी डिबेटर की। अरे ये गंदी आदत है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि गंदी आदत और अच्छी आदत छोड़िए सर, अपनी बात रखिए। हाँ। आप यहाँ पे तू मैं मत फंसी, अरे सभ्यता आपके अंदर है सर, आप इतनी देर से सुन नहीं रहे, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में काटने लगते हैं, अगर आप ये पर्सनल एलिगेशन लगाने लगते हैं, हंस रहे या नहीं हंस रहे, बात रखिए ना सर, आप अपनी मैं कह रहा हूँ कि 1932 के पहले या पूना पैक्ट के जो पहले की जो घटनाएं हैं वहां पे जो सोशल रिवोल्यूशन के बाद गांधी के द्वारा हुआ उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, या जो सामाजिक चेतना की वो बात करते हैं, पुनरुत्थान जिसकी बात वो करते हैं उसको मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन 1932 के बाद वो पूना पैक्ट और गांधी जी अम्बेडकर जी से जो वार्तालाप हुई, चर्चाएं हुई वहाँ के बाद उनके जो भी उन्होंने स्टेप लिया उसमें मुझे परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और वो परिवर्तन उनके बेटे की शादी और इस रूप में उसका एग्जांपल के तौर पे है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस ये था। हाँ, अब आप अपना ओपिनियन रखें। हरिजन, अभी 1932 के बाद जो हरिजन सेवक संघ खोला गया, जब बाबा साहेब जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जब उनको पता चला कांग्रेस ने हमारे साथ क्या कर रही है, तो 1932 के बाद जो हरिजन सेवक संघ जो फ्रॉड था उसको मानते हैं आप? हाँ, उसको मैं फ्रॉड मानता हूँ, इसमें कौन वो 1932 के बाद हुआ, और हाँ वो 1932 के बाद हुआ, फिर 1935 में गांधी बाबा साहेब की सीक्रेट एक लेटर, मुंजे पैक्ट जिसको बोला जाता है, वो लीक करता है, अनएथिकल एक्ट, जो बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन का कहा, मैं हिंदू बॉर्न हुआ हूँ, मैं मरूंगा नहीं, गांधी मुंजे पैक्ट उसको लीक करता है यंग इंडिया में, वो उसको तो वो कॉन्फिडेंशियल था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, वो अनएथिकल एक्ट था गांधी का। उसके बाद जो डिबेट हुई है कि गांधी बोल रहा है कि पहले तो हमें पॉलिटिकल राइट के उसने विरोध किया जाकर 1931-32 में हमारा पॉलिटिकल राइट का विरोध कर रहा है, जब अशूत धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं तब भी उसमें उसमें टांग अड़ा रहा है। 1936 में लेटरें पढ़ो उसकी, क्या है बाबा साहेब को, बाबा साहेब की कन्वर्सेशन में हुई है, वो पढ़ो जाकर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिबेट करनी है आपने, वॉल्यूम 9 पढ़ो, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, उसमें जो स्वराज तिलक फंड जो इकट्ठा किया 1,25,00,000, उसमें से 40,000 भी अछूतों की भलाई के लिए यूज नहीं हुआ। कस्तूरबा फंड बनाया गया बाद में, अछूत बाबा साहेब के मगर ना लगे उसके लिए हरिजन सेवक संघ खोल दिया, कर किया कुछ नहीं उसने। बहुत सारी लेटर हैं गांधी की जो बोल रहा है कि अछूत ये जो जात पात है ऐसी ऐसे सिस्टम बना रहना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न यही था कि अगर एक व्यक्ति एक तबके का, मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो भाई, हिंदू जय पार्थ, मेरी बात सुनो, Volume 9 Chapter 2 मीन डील उसमें गांधी का सारा काला चिट्ठा बाबा साहेब ने रखा हुआ है। मैं कैसे पढ़ गया ना, उस पर पेज टू पेज बात करेंगे हम कल को। कौन कह रहा है आपसे मानने के लिए सर, हम तो कह ही नहीं रहे आप मानिए, तो बस वही बात, अपने लोगों से बात कर रहे हैं ना, हम तो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, आप मत मानो, आप अपने लोगों से डिबेट कर रहे हैं। अरे मैं डिबेट नहीं कर रहा सर, यहाँ पे स्ट्रीम होती है, डिबेट तो आपकी परेशानी है, अपने बहुजन समाज को एड्रेस करते हैं सर यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रीम भी बहुजन समाज के लिए हुई थी, जातिवादियों के चेहरे उजागर करते हैं जो सवर्ण समाज जातिवादी हैं और ये भेड़ के खाल में भेड़िए घुसे बैठे हैं, उन्हें उजागर करते हैं यहाँ पे, ठीक, वो तो सब जगह बैठे हैं, वो आपकी कम्युनिटी में भी हैं,
नहीं हमारी कम्युनिटी में है, चाहे आपकी कम्युनिटी में है तो ना जातिवादी मानते हो ना? हाँ, वो तो है, वो तो इंट्रिंसिक नेचर है। फिर तकलीफ किस बात की है? गांधी जातिवादी थे कि नहीं, वर्णवादी थे? नहीं, गांधी जातिवादी वर्णवादी थे कि नहीं, ये बताएं। आप भी होके जातिवादी, आप भी होके आप बता रहे कि मैं नहीं, ये प्रॉब्लम। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कब जातिवाद की बात कर दी बताएं, मैं कैसे जातिवादी हो गया? आप एक व्यक्ति जो जाति के बेसिस पे प्रमोट करता है अपने पॉलिटिकल पार्टी हर चीज को, उसको जब आप सपोर्ट करते हैं तो प्रमोट करता है जाति के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी जो आज हमारे यहाँ चल रही है बसपा ये सपा के, जाति के बेसिस पे अपना पॉलिटिक्स नहीं कर रही है सपा। सर जातियां किसने बनाई है? जातियां किसने बनाई है? और अगर वो जातियां बनाए तो जातियों को तोड़ो ना। किसने बनाई? मतलब हमने खुद, नहीं हमने खुद को चर्मकार और नाली साफ करने वाला वाल्मीकि हमने खुद बना लिया अपने आप को, तो आज क्यों स्वीकार करके बैठे? किसने जातियां बनाई? अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, हम खुद कहते हैं नाली साफ करने वाला और जूते सिलने वाला। मैं कह रहा हूं अपर क्लास ब्राह्मण ने आपको लाठी से जबरन मार के, सवर्ण लोग हमें जूते सिलने वाला और नाली साफ करने वाला कहते हो या हम खुद ही कहते हैं अपने आप को, ये बताएं ना। नहीं तो फिर आपने स्वीकार किया है क्यों? अच्छा, मतलब हमारी गलती ये हो गई कि जातियां आपने बनाई, हमारे गंदे नाम आपने रख दिए और वो गंदे नामों की गालियां भी आप लोग एक दूसरे को देते हो और हम पे ये थोप रहे हो कि हमने स्वीकार क्यों कर लिया? क्यों सर, 98% पॉपुलेशन को जबरी बांध के रख सकती है हजारों हजारों साल। अब सर ये तो आप अपने देख लीजिए सर, बांध के तो रखा हुआ है, इतिहास गवाह है। ये लॉजिक आपका तब प्रूफ हो पाता जब ये चीज होती नहीं, ये देश में है ना 15% लोगों ने 85% लोगों को नीच बना के रखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे अपर क्लास पूरा आ जाता है, अभी तो ब्राह्मण के अगेंस्ट थे, अब अपर क्लास के अगेंस्ट है पूरा। सर बिल्कुल जातिवादियों के विरुद्ध है ना, तो अब देखो गांधी से भटक के अब आ गए असली औकात पे, अभी करने लगे डिफेंड जातिवाद को। दो मिनट लगा देखो तुम्हारा गंदा चरित्र उजागर करने में, दो मिनट लगा डिफेंड करने लगे जातिवाद को यहाँ के, और उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो कि जिसके साथ तुमने अपराध किया, जिसकी औरतों के स्तन खुले रखवाए, तो उन्होंने झाड़ू बंधवाई, हजारों सालों तक अपनी पॉटी साफ करवाई, उन पे आरोप ठोक रहे हो कि तुमने स्वीकार क्यों किया? तो वही क्या मॉरल सर, क्या लॉजिक है तुम्हारा? इसमें भी बड़ा ट्विस्ट है मॉरल सर, वैसे इसमें भी बड़ा ट्विस्ट है। जैसे जो बात ये कर रहे हैं ना इंटर, पहले की वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे, तो वो असल में इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ होंगे या इंटर रिलीजन मैरिज के खिलाफ होंगे, क्योंकि उनका जो जो बेटा था जिसकी फातिमा से शादी हो रही थी, जो क्या नाम था, मणिलाल की शादी के तो खिलाफ रहे हाँ। और लेकिन अपने बच्चे को एक्सेप्शन दिया था उन्होंने आजाद, वो कोई इसके पक्ष में नहीं थे, झूठ बोल रहे, कोई पक्ष में। वो शादी ब्राह्मण की लड़की से, बिल्कुल ब्राह्मण की लड़की से, और उन्होंने कभी भी वर्णवाद जातिवाद की लड़की से शादी हुई थी इनकी, ब्राह्मण की लड़की से शादी हुई तो हो जाने दी हाँ, तब मानते कि वो इसको बदलने के लिए भाई इंटरकास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने के लिए अपने लड़कों को सपोर्ट करते कि भाई किसी अछूत लड़की से शादी कीजिए, एक मिसाल के तौर पे रखते, और फिर जातिवाद को खत्म करने के लिए एक हाँ, और हमको उसके लिए एक मिसाल खड़ी करते और देते कि भाई देखिए इसकी शुरुआत हम अपने घर से करते हैं और जातिवाद को खत्म करना चाहिए, तो बात थी भाई। अब अपने से बड़े वर्ण में तो कर ही लेंगे ना वो जातिवादी, और वो भी राजगोपालाचारी भी तो नेता ही थे ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो जो दो नेता हैं और दोनों सवर्ण हैं, यानी वो भी वैश्य बनिया ही थे गांधी जी भी, अगर उनके बच्चे शादी कर रहे तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत इसमें हो सकती थी। अभी अभी भाई मैंने देखा कि कैसे ये करवट पलट रहा है, अभी 15% को कैसे डिफेंड करने लग पड़ा, हमको बोल रहे हैं आप जात-पात फैला रहे हैं, इतने तो रंग साला क्रिकेट में नहीं बदलता जितने ये बन रहा है। जातियां इन्होंने बनाई, थोपी हम पे और हम ही जातिवादी हो गए, बिल्कुल, मतलब हत्या भी हमारी होगी और कातिल भी हम ही हो गए, वाह बिल्कुल ठीक, मतलब हजारों सालों से कास्ट प्राइड लेके बैठे हो, कास्ट बेनिफिट लेते हो, ऊंची जाति का होके सर ऊपर करके चलते हो और ऊंची जाति के सारे लाभ लेते हो, तुम्हें कोई अछूत नहीं कहता, तुम्हारे बच्चों को कोई चर्मकार और नाली साफ करने वाले की गाली नहीं देता, मजे भोगते हो और उसके बाद आरोप हम पे ठोक देते हो कि हम जातिवादी हो गए, वाह यार तुम्हारा न्याय और मानवता गजब की है तुम लोगों में। मैं है ना एक बात और बताता हूँ गांधी की, जब ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गया, वो बोला कि सिख रिजर्वेशन लें वो सिख रहेंगे, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं मुसलमान रहेंगे, लेकिन अम्बेडकर जानबूझकर छूतों को छूत बनाए रखना चाहता है इसलिए वो रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। लुक एट दैट गांधी, ये बोल रहा है, ये वॉल्यूम 9 में है, ये काम है गांधी के हर पैर पे, हेलो हर पैर पे उसने बाबा साहब का विरोध किया, एक ना मुंजे पैक्ट हुआ था
जब एक मुंजे पैक्ट हुआ था, हिंदुओं को उस समय ये लगा कि अभी ये बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन करेंगे बाबा साहेब 1935 में। 1935 का जो धर्म परिवर्तन का ऐलान था, वहां पर हिंदू महासभा का जो मुंजे था वो बीएस मुंजे, वो उसको बाबा साहेब को एक बाबा साहेब के घर में आकर बाबा साहेब को मिलता है। वो बोलता है भाई आप ऐसा करो, आप मुसलमान और क्रिश्चियन मत बनना, हमारा जो नुकसान होगा देश का। तो बाबा साहेब को वो बोलते हैं कि आप सिख बन जाओ, सिख हिंदुओं का हिस्सा है, ये बोलते हैं। तो गांधी ये चाहता था कि बाबा साहेब किसी और धर्म में शूट ना जाएं, हमारे वो गुलाम बन के ही रहें, हमारे जो काम कर रहे हैं, जो मिनियल वर्क कर रहे हैं वो ही करते रहें, बाबा साहेब के पीछे मत जाएं। तो वो जो एक रिटन एक डॉक्यूमेंट था, वॉल्यूम 17 में लगा हुआ है, वो रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें बाबा साहेब बोल रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म में नहीं जाऊँगा जो जो अछूतों को डी नेशनलाइज करे, गैर राष्ट्रवादी बना दे उनको। तो जो धर्म यहाँ के हैं मैं उस धर्म को चूज करूंगा। उनका बुद्धिज्म पर बहुत झुकाव था शुरू से ही। तो वो जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था वो एक गांधी का पालतू था, उसको वो एमसी राजा बोलते थे, वो कांग्रेसी था, बाबा साहिब से लगता था वो है, वो प्रिया था, बाबा साहिब से लगता था वो गांधी का पालतू था। उसके पास वो लेटर की कॉपी आती है तो गांधी क्या करता है, उस जान बूझ कर अपने यंग इंडिया में वो लेटर छाप देता है। बॉम्बे क्रॉनिकल एक बड़ी न्यूज बन जाती है कि अम्बेडकर जो है उसका पैक्ट लीक हो गया, अम्बेडकर मतलब गांधी ने हर हर बार यही कहा कि धर्म परिवर्तन जो है या पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल राइट है, ये कोई हल नहीं है, अछूत हमारा अंग है, हम ही बने। गांधी बोल रहा था कि अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, लुक एट हिज लॉजिक, अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है तो आप हमारे से अलग हो जाएंगे, हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, हमें सेपरेटिस्ट की फीलिंग आएगी। बाबा साहब बोल रहे हैं यार एक दिन के लिए 5 साल बाद वोट डालनी है, वैसे भी तो हम सारा साल गांव के बाहर ही रहते हैं, तो एक दिन के लिए हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में वोट इकट्ठा करेंगे, क्या प्यार हमारा पैदा होगा, आप तो हमारे साथ इतने सालों से अत्याचार करते जा रहे हो। मतलब ही वाज टोटली इलॉजिक वो सारे दे रहा था। इवन दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गांधी के गोरे सपोर्टर थे वो भी विरोध में आ गए थे कि गांधी मुसलमानों को हिंदुओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, वो इनसे पैक्ट कर रहा है, लेकिन जब ही अछूतों की बात आती है इनका विरोध क्यों करता है। वो उसके पास कोई भी लॉजिक नहीं था उसको अपनी बात को रखने के लिए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और एक बात बताता हूँ मैं, गांधी ने वहां पर ये भी कहा, अरे भाई जितने अगर जब मुसलमानों ने नहीं सुनी उनकी, मुसलमानों की 14 मांगे भी गांधी ने मान ली और एक पैक्ट किया, तो मुसलमानों को ये लगा कि नहीं यार जो अछूत लोग हैं ना इनको अधिकार मिलने चाहिए। सिखों ने भी साथ नहीं दिया गांधी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, भाई यार नहीं। जब नहीं हुआ तो जब मीटिंग होती है सेशन लगता है तो गांधी वहां पे बोलता है ये जो लोग हैं ये सारे नॉमिनेटेड हैं, ये नुमाइंदे नहीं है, चुनकर नहीं आए हैं, इसलिए मैं ही असली नुमाइंदा हूँ सभी कौमों का। तो बाबा साहेब वहां पर बोलते हैं कि अगर आज रेफरेंडम कराओ, ये मेसी को ये बोल रहा था कि इसीलिए बोला कि मीन डील वाला चैप्टर पढ़ के देखो उसमें क्या धोखा किया उसने। बाबा साहेब बोले कि आज रेफरेंडम कराओ भारत में तो मेरे को सबसे ज्यादा वोटें मिलेंगी। और बाबा साहेब कुछ लेटर्स टेलीग्राम अपने पास लेकर गए थे, वो दिखा रहे हैं कि ये किसी बंदे ने डिप्रेस क्लास की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे भेजा है, उसने लिखा है कि कांग्रेस में हमें कोई भरोसा नहीं है। बाबा साहब उसका कुछ अंश वॉल्यूम 9 में देते हैं, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, उसमें लिखते हैं कि आज रेफरेंडम हो तो मैं ही बड़ी वोटों से जीतूंगा, मैं ही असली नुमाइंदा हूँ अछूतों का। ये गांधी वांधी जैसे ये ऐसे ही वो ऐसे ही होगा, उसके गांधी के जो पालतू हैं चेले हैं वो जैसे ये है ना कर रहा, कभी इधर टपकर उधर हो गया, कभी उधर का टपकर उधर हो गया, तो ये यही चलता है इनका भाई। ठीक है साथियों, बड़ी चर्चा चल रही है, अच्छी करो। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि 2% या 98% कैसे कंट्रोल रखा। जय भीम सर, जय भीम सबको। हाँ जय भीम, अल्टीमेट मुद्दा जय भीम सारे दर्शकों को भी। सर मैं बस एक छोटी सी बात रखने के लिए ज्वाइन हुआ था। हाँ हाँ बोलिए। तो सारे दर्शक को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आजकल का धूर्त क्या करता है, आजकल का धूर्त कैसे आपको, मतलब धूर्त की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मान के चलो आप एक दुकान में जाओ और एक चीज खरीदो 1000 रुपए की, और वो दुकानदार बोले कि चीज खराब हो गई तो आपके पैसे वापस। अब आपने खरीद ली 1000 रुपए में और चीज खराब भी हो गई, तो पैसे वापस जब मांगने जाओ तो वो आपको 1 रुपए वापस देता है आपका।
आप बोले अरे ये क्या बात हुई, 1000 रुपए की चीज है, एक क्या वापस दिया, तो दुकानदार आपसे बहस करता है कि पैसे वापस दिए या नहीं, ये बताओ पैसे वापस दिए या नहीं, 1 रुपए भले ही दिया हो पैसे तो वापस दिए ना आपको, इसको बोलते हैं आज का धूर्त। तो दिक्कत ये है जातिवाद में आजकल के कि सवर्ण लोग एससी एसटी से शादी करना अवॉइड करते हैं, वो एससी एसटी से नहीं करेंगे, और जब उनको आप सवाल पूछो कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों नहीं कर रहे, तो वो अपने अपने में सवर्ण सवर्ण में ही मैरिज करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय से क्षत्रिय बनिए से बनिया, कायस्थ से कायस्थ ब्राह्मण से, ऐसे शादी करेंगे और लोगों को ज्ञान पे लेंगे हम तो इंटरकास्ट करते हैं जी, हम भी तो इंटरकास्ट करते हैं, इंटरकास्ट किया या नहीं किया ये आप बताइए, किया या नहीं किया, ऐसे दो कौड़ी के बेवकूफ लोग आके आपको लॉजिक देते। तो आजकल के धूर्त की ऐसी चीजों को हमको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये सब हमको पहले से पता है, अगर आपको लग रहा हो ये सब काम करेगा वाम करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना ही गांधी जी के किसी बेटे ने किसी एस सी से शादी की, तो ऐसा दो कौड़ी का लॉजिक लेके यहाँ पे मत आए, आपसे इसको हम सुबह जमा करके आते हैं, ठीक है। हाँ भाई बताइए। हाँ मैं वही प्रश्न पूछा कि 2% ने कैसे पीट के रखा 98% को, अभी तक उत्तर नहीं मिला। ये प्रेजेंटेशन पूरा देखो भाई, मैंने चार्ट दिखाया है जवाब, ये तो नहीं, न्यूटन जी ये जवाब तो इनको देना है, ये जातिवाद छोड़ क्यों नहीं रहे, अच्छा आप ये तो आप जवाब देना, मंदिर में बैठने वाला ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ होता है और नाली साफ करने वाला नीच कैसे होता है, ये तो आप बनाया है ना कि श्रेष्ठ होता है, ये आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है सर, मैंने नहीं बनाया, ये धर्म ग्रंथ आपने लिखे ना, आप सवर्णों के लिखे, आपके ब्राह्मणों के लिखे धर्म ग्रंथ, इसका जातिवाद निकल के आ गया ना सर, इसकी नफरत देखो ना, ये बोल रहा 2% लोगों ने 98% को कैसे, हाँ आ गया ना इसका, आ गया इसका। अच्छा आनंद सिंह, अच्छा आनंद सिंह ये बता, हाँ आनंद सिंह मेरा एक सवाल है कि ये मुगलों ने ये जोधा को कैसे मतलब अपनी घर बीवी बना लिया था अकबर ने, ये अफवाह है, पता नहीं हिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। अच्छा लो मॉरल सर, मतलब जोधा अकबर को नहीं बेटी थी, अरे अब नहीं नहीं आजाद भाई न्यूटन जी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से गांधी जी किस किस के साथ सोते थे एक्सपेरिमेंट करने, थोड़ा वो भी निकालो यार, हाँ, भाई अच्छा गांधी एक्सपर्ट निकालो, ये गांधी कुछ बात को स्वीकार करता हूँ, निकालो मुझे ये भी निकालो कितने 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 राजपूतों ने गांधी किसके साथ सोते थे और एक्सपेरिमेंट कैसा था वो भी देखेंगे। मॉरल सर इसके अलावा इसको मिर्ची इससे लगेगी कि कितने राजपूतों ने अपनी बेटियां मतलब राज दरबारी मुगलों के यहाँ बनने के लिए अपनी बेटियां मुगलों को बिहा दी, ये भी जरूरी है, तो भी खतना हो गया होता सब लोगों को। अरे भैया लो आ गया, देखो निकला यार दर्द बाहर आया भैया, हल्दी घाटी का युद्ध दिखाना पड़ेगा ना, अरे भैया दिखाओ हल्दी घाटी का युद्ध दिखाएं क्या न्यूटन जी, अकबर का साला दिखाओ कौन था, अकबर का साला दिखाऊं यार न्यूटन जी, वो पीडीएफ आपके पास है क्या, मैं मेरे को खोजना पड़ेगा, वो पता नहीं किस नाम से था, है मेरे पास को, मैं देखता हूँ एक मिनट, खोजता हूँ भाई, ये देखो ना क्या जबरदस्त चीज पकड़ा हूँ यार, इसको दर्द हुआ ना, मतलब बोल रहा है कि जोधा, अरे ना ना दर्द हो रहा ना बेटा, बोल रहे हो ना कि जोधा अकबर के साथ नहीं बिहाई थी भाई, कोई रिश्ता नहीं था जोधा का, फिर वही बात, मैं कहा कि मैं ये हिस्ट्री के अंडरपिनिंग का पार्ट ही नहीं है, रॉन्ग हिस्ट्री दैट यू आर स्टार्टिंग, हां ये कैसे रॉन्ग हिस्ट्री, ऐसा कब नहीं, ये रॉन्ग हिस्ट्री कब कैसे बना दी, वही मैं कह रहा हूं कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट तुम किसने बना दिया, और अकबर की शादी हुई थी, ये किस झूठ किसने बनाया ये बताओ मुझे, झूठ किसने, फिर वही बात है झूठ किसने बनाया कि अब क्या पूरा राइटिंग, मानसिंह कौन था अकबर का, मानसिंह कौन था अकबर का, तो मान सिंह था ना ये आप कह रहे हैं कि जोधा की शादी हुई तो वो दिखाई, मान सिंह अकबर का कौन था, मैं ये पूछ रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी रियासतें मान सिंह को अकबर ने क्यों दी थी, मैं ये कह रहा हूँ जोधा के दिखाई नहीं को शादी का, अरे मैं पूछ रहा हूँ मान सिंह अकबर का साला कैसे बन गया था भैया, फिर वही बात है, मैं ये कह रहा हूँ आप दिखाइए तब तो मैं मानू की वो साला था, आप शादी दिखाइए, अरे क्या साला, तो हाँ अरे लेफ्टिस्ट का एक अलग ही वो था मार्क्स, जैसे पहले मुस्लिमों को उन्होंने कंट्रोल किया, अब अंबेडकर वाइट्स को कंट्रोल सिंपली कर रहे हैं, आई एम लिविंग इन जर्मनी आई नो दैट हाउ यू गाइस आर बीइंग मेड फूड, अरे सर अंग्रेज बाप हो गए क्या आपके, तुरंत अंग्रेजी पे पहुंच गए,
चिल्लाते हो दूसरे गैर हिंदी वालों को नीच कहते हो, खराब कहते हो, ये तो आप लोगों का टेक है ना, आप हिंदुत्ववादियों का टेक है, इसी हिंदू हिंदी के नाम पे तो हिंदुस्तान बनाने की बातें कर रहे हो आप। अब अंग्रेजी बोलकर मतलब तुम लोग कुछ भी करते रहते हो घर पे बैठ के। अरे सर अच्छा चलो इसको इसको चुप कराओ, अभी देखो इसको इसकी नब्ज पे हाथ रखते हैं ना सर, इसकी नब्ज पे हाथ रखते हैं सर, ये अच्छा भी नहीं लगेगा, समझिए बात। अच्छा सर देखो चलो अब दिखा देते हैं सर इसको, मुगल काल का शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए 1526 ईस्वी के बाद मुगल शासक बाबर और उसके वंशजों का एक छत्र राज भारत में शुरू हो गया था। अब यहाँ से दिखाते हैं, देखो बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखने के बाद मुगलों ने भारत की संस्कृति पर अपने गुलाम ब्राह्मणों और राजपूतों से मिलकर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं मुगल शासक बना। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं का मुगल साम्राज्य की नींव डालने में काफी योगदान रहा। आप देखते हैं यहाँ से देखते हैं हुमायूं के बाद वंश का तृतीय शासक अकबर बना। अकबर ने सन 1556 ईस्वी में हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और विजयी रहा, है ना, इसको विक्रमादित्य को पेला। आम्बेर के कछवाहा राजपूत भारमल ने 1526 ईस्वी में अकबर के दरबार में अपने राज वापस पाने के लिए अपनी बेटी राजकुमारी हरकाबाई का विवाह अकबर से करना स्वीकार किया था। भारमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला और उसके बाद उसके पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह भी दरबार में ऊंचे सामंत बने रहे। मानसिंह 1556 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गया। हाँ भाई इसको पता ही होगा, पढ़ लेना भाई अगर नहीं पता होगा कि नवरत्नों में है कि नहीं, है ना। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का राजपूत राजकुमारियों का मुस्लिम राजाओं से विवाह संबंध बनाने का प्रकरण काफी समय पूर्व से ही था। ये सारी चीजें तो आप बता ही दी, तो हाँ इसको पूछ लो सर, ये तो चलता ही रहा, ये दिखाते चले जाएंगे हम इसको। और देखिए सर एक चीज और दिखाता हूँ, उन ब्राह्मणों और राजपूतों को अकबर के दरबार में भी अच्छा स्थान मिलता था। ये सरकार 1984 पृष्ठ 37 पर ये छपा है। हालांकि कुछ राजपूत और ब्राह्मण स्त्रियों ने अकबर के हरम में प्रवेश लेने पर इस्लाम स्वीकार किया था। तो देखो ये कह रहा कि भाई खतना हो चुका होता तो सबसे पहले खतना तो यार ये राजपूत ही करवा लिए यार और फिर भी उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। साथ ही उनके सगे संबंधियों को जो ब्राह्मण और राजपूत थे उन्हें दरबार में उच्च स्थान भी मिलता था। दरबार के ब्राह्मण राजपूत और मुस्लिम दरबारियों के बीच संपर्क बढ़ने से आपसी विचारों मतलब का आदान प्रदान हुआ और दोनों धर्मों और हिंदू मुसलमान मतलब हाँ तो देखिए ना इससे अगली पीढ़ी में दोनों रक्तों का संगम हुआ। तो भाई ये जो है ना इसमें मुगल वाला खून भी दौड़ रहा होगा भैया आनंद सिंह में ना, जिससे दोनों संप्रदायों के बीच सौहार्द को भी बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण और राजपूत मुगलों की सर्वाधिक शक्तिशाली आपके अंदर हमारा खून दौड़ रहा है, आपके अंदर हमारा खून दौड़ रहा है। श्रेष्ठता के दावे तो आपके हैं ना, हमारे थोड़ी है, खूनों के आधार पे हम लोगों को जज नहीं करते, वो आप करते हो ना। हाँ पर मुगल खून इसके अंदर दौड़ रहा है इसलिए इसको लग गई मिर्ची। नहीं मैंने तो सिंपली कहा कि हमारे कारण बच्चे उन्हें सबका खतना हो जाता। क्या बात, तो सबसे पहले तो खतना तो तुम ही करवा लिए यार, तुम्हारे खतना किया उन्होंने, पेल दिया तुमको सीधा, तुम्हारे कारण कोई देश खाया यार, मुगलों के साथ देश बैठाया ठीक है, हमसे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तुमने कहां बचाया सर, किसको बचाया था वैसे ये तो बताओ। हमसे मत पूछिए ना, बुद्धिस्ट का हमें पोल खोल देंगे कि कौन बुद्धिस्ट मिले थे, सब कैसे हुआ था ठीक है, खोल दो ना पोल यार, किसने रोका हुआ है पहले राजपूतों के कारनामों की, तो पोल खोलो जो अपनी बेटियां बिहा रहे थे मुगलों को। सिंपली पहले राजपूतों का बताओ ना, ये मुगलों को अपनी बेटियां क्यों बिहा रहे थे बताओ ना। क्या अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था ना एक्सेप्शन कैन नॉट बी जनरलाइज, तो एक्सेप्शन केस को जनरल केस नहीं माना जाता है। तो क्या 10 ही राजपूत थे पूरे भारत में? अब आप बताइए राजपूतान में कितने राजा होते थे बड़े, तो क्या क्या मतलब था, जब पूरे ही राजपूत कर देते तब मानते क्या, मतलब हर राजपूत की औरत से शादी करता है तक मानते क्या तब मानते ऐसे एक्सेप्शन तो अपोजिट साइड से भी मिल जाएंगे, अपोजिट साइड से एक्सेप्शन नहीं पड़ने लगता है। अरे तो मिल जाएंगे, वही तो हम कह रहे हैं तुम्हारे और मुगलों के अच्छे संबंध थे ना, एक दूसरे को बेटियां ब्याहते थे, तुम लोग पहले एक ही होते थे ना, आजकल तुम लोगों को उल्लू बनाने के लिए मुसलमानों का विरोध करने लगे हो, ये धंधा है तुम्हारा।
हमारा कोई नहीं है, वी आर द इंटेलेक्चुअल पर्सन, जातिवादियों का धंधा है ना। अरे ये जातिवादी इंटेलेक्चुअल कब से होने लगे, ये जातंकवादी इंटेलेक्चुअल कब से होने लगे भाई। ये बंदा जय हिंद जय भारत नाम रखा है, फ्रांस का एफिल टावर का डीपी लगा है, भारत का बी कैपिटल नहीं है, ये ज्ञान पे लेगा इंटेलेक्चुअल होने का। अंग्रेजी आती है यार बुद्धा जी, उसे ऐसा नहीं है यार, मूंछों पे ताव देके अंग्रेजी बोल रहा था, अभी देखा नहीं आपने? मूंछ है भी सर, कि मुगल काट लेगा इसकी मूंछ भी। वो भारत नॉमिनल है, रियल नहीं है, इतना पता होगा। कहीं भी हो सकती है आजाद, ऐसा थोड़ी कि ऊपर ही मूंछें होती है, राजपूतों की कई जगह मुगलों के डर से राजपूतों ने कहीं और मूंछें निकाली थी, कहीं और, कहीं और भी मूंछे होगा तो इन लोगों ने, फिर और कहीं मूंछे हो गई, मूंछे तो होती है। क्या बात है सर, अरे भैया ये तो कहाँ कहाँ मूंछे उगा रहे थे भाई राजपूत, अंग्रेजी सीखी है भाई इन लोगों ने, ऐसा नहीं है यार। वैसे ये राजपूत इतने बहादुर थे तो यार ये जौहर क्यों करना पड़ता था तुम्हारी रानियों को, वैसे ये बताओ ना। जौहर वो प्रक्रिया, हाँ वही बता रहेगा, सुनेंगे तो बताएंगे। जौहर क्यों करना पड़ता था, राजपूत इतने बहादुर थे? सुनेंगे हाँ, वो हमारी मातृशक्ति की महानता। अच्छा मार देना ये मतलब मार देना जल के मर जाना, ये मातृशक्ति की महानता थी, क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आदमी लोग नहीं मरेंगे, औरतों को मारना महानता होती है, जला के मार देना, क्या बात है यार, गजब गजब मात्र शक्ति है तुम्हें। एक चीज निकालता हूँ सर बढ़िया वाली, एक रुकिए मैं, वो है मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ सर बात कीजिए इनसे, सॉरी इधर इधर बात कर रहा हूँ, इधर बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ तिवारी सर, तिवारी सर का लोगो नहीं दिख रहा, ये अपनी तिवारी सर की फेक आईडी है। हाँ सॉरी सर, तो मैं कह रहा था कि जौहर वो थी, वो हमारी मातृशक्ति थी। आदमियों ने जौहर क्यों नहीं किया सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि लड़ने का काम आदमियों का था, तो जौहर भी कर लेते उसमें क्या है, हेलो मरना हो। अरे सर आपकी नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं? हाँ हाँ मैं ही हूँ भाई, जय भीम आप सभी को, पैनल भी जितने बैठे, जय भीम जय भीम। अरे भाई ये यार ये गांधी की रक्षा के लिए आए थे, तो गांधी को तो इन्हीं लोगों ने तो मारा भाई। हाँ इन्होंने ही मारा ना आपस में, ओ भैया। हाँ हाँ तो हमने कब कहा कि गांधी की रक्षा करने आए यार, शुरुआत में तो यही सब बोल के आए थे आप, वो गांधी कोई और था, ये गांधी कोई और है। हम इतना कहें कि वो मतलब, जो डिस्कशन, एक बात हो, किसी के पॉइंट को अगर कोई सही है क्या गलत, उसको। अच्छा गांधी को क्यों मारे आप लोग, क्या गांधी को क्यों मारे, क्यों तुम तिवारी हो, तुम उसमें नहीं आते क्या? मैं नहीं आता, तुम लोग क्यों मारे गांधी को पहले बता। अब तो फंस गए तिवारी जी, हाँ बताइए क्या, वो तो ब्राह्मण ही थे ना, नाथूराम महाराष्ट्र से, तो ब्राह्मण तो तुम हो, तुम्हारे तो तुम। अच्छा मैं हूँ ब्राह्मण। हाँ यार तुम लोग हिंदू लोग मारे ना। ओह माय गॉड, फंस गए तिवारी जी, ऑप्शन नहीं। ओह माय गॉड, वाह यार। हाँ गांधी को बचाने के लिए आए थे, और मतलब गांधी को वो बचाने के लिए आया जिसने गांधी को मारा। अमित भाई आप भाई यार, ये तो मैं भी मानता हूँ यार। ओ भाई जय हिंद जय भारत, मैं भी मानता हूं भाई आप फंस गए। अच्छा ये बताओ भाई, जब सारे क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से समाप्त कर दिया था परशुराम ने, तो फिर यार ये राजपूत कैसे बचा रहा भाई, मेरे पे मुझे अब आप पे डाउट हो रहा है भाई, आप फंस गए, बताओ इसका जवाब दो। देख यार ये देख आजाद आजाद, इसने 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 मेरे को ब्राह्मण बना दिया ना, तो इसका तो बाप हूं ना मैं, मनुस्मृति के हिसाब से भाई, तो बाप हूं मैं, फिर तो बाप हो गए यार आप, तो फिर इसके पिता हो गए जब आप। देखो भाई मेरे को ब्राह्मण बनाओगे तो मैं ऑटोमेटिकली बाप बन जाऊंगा, अब बताओ क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड अब फंस गए भाई, ओ माय गॉड। हाँ यार पहले ये स्वीकार करो गांधी तुम्हारा कौन है आनंद भाई, ये हाँ हाँ स्वीकार करते हैं, पर यार ये भी स्वीकार करो कि ना ना ना, एक मिनट एक मिनट आजाद, इतिहास को शुरू से स्वीकार किया जाता है, पहले ये स्वीकार करो कि मैं तुम्हारा नियोगी बाप हूँ। नहीं ये स्वीकार्यता उस समय होगी ना जब पहले टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वहां से स्टार्ट करो। राजपूत मात्र शक्ति जो थी ये ब्राह्मणों के पास नियोग कराने गई थी, इसे स्वीकारो ना भाई। पेड़ के नीचे सर, पेड़ के नीचे ठोके, पेड़ के नीचे ब्राह्मण बैठता था जहाँ पे छत्राणियां जाती थी, ये स्वीकार करो पहले। ये हर परंपरा का नहीं था। ब्राह्मण बनाओगे तो बाप बनूंगा, फिर वही बात है अभी, फिर वही बात क्या, मैं हूँ तुम्हारा बाप। महाभारत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है
परशुराम ने तुमको पूरा निपटाया एक बार, फिर तुम लोग 20 बार, अगले 20 बार तुम लोग ब्राह्मणों के पास जाके वो औलादे पैदा किए। अरे काहे का धर्म, जो अधर्म काहे का धर्म भाई, तुम्हारे जितने पुरुष क्षत्रिय थे उनको निपटा दिया जाता था। वो नहीं 21 बार समूल नाश, पहली बार निपटाए, बाकी 20 बार गए तुम लोग, और एक समन नहीं भरता था भाई, दूसरा तीसरा चौथा 20 तक पहुंचे तुम लोग। तिवारी जी अगर न पढ़े हो तो नहीं बोलना चाहिए यार, आपने खुद ही नहीं पढ़ा है यार यहाँ पे। अब वो अरे आपको निकाल के दिखा देते हैं यहाँ, अधार्मिक क्षत्रियों का समूल नाश किए थे वो, सारे क्षत्रियों का नहीं, पहले पढ़ लीजिए फिर आइए। अरे क्या आदमी है भाई, तो 20 बार क्यों जा रही थी छत्राणिया? पढ़ दो भाई, पढ़ दो दोबारा अगर वो थी। अरे तो राम जी, अरे इसका ये मतलब है क्या कि बाकी के जो बचे क्षत्रिय थे वो हिंजड़े थे, नपुंसक थे? क्यों अगर ब्राह्मणों के पास क्यों जा रही थी छत्राणिया? सारी छत्राणिया जा रही थी और क्या? दिखा दो भाई कहां पढ़ ली, दिखा दो इसको भाई, इसको दिखा दो यार, दिखा दो इसके जो असली बाप है, दिखा दो न्यूटन सर इसको, महाभारत का अनुशासन पर्व क्या है वो? और जो चार पैनल बैठे हैं उनके भी बाप तुम ही होगे कि नहीं? हाँ चलो ठीक है मान ली। अच्छा ये बताओ तुमको ये लग रहा था क्या, ओ जय हिंद जय भारत, तुमको ये लग रहा था क्या कि एक बार जो मारे तो बाकी के कुछ छत्री बचे हुए थे, मतलब जो बाकी के बचे छत्री थे तुम्हारे वो हिंजड़े थे क्या? यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट कैसे है कि हिंजड़े थे? बच्चा पैदा कराने छत्राणी ब्राह्मण के पास क्यों जा रही थी? तो किसने कहा कि सभी छत्राणी गए? लिखा है उसमें सभी का लिखा है, सुन लो मेरा, जो अधर्मिक रूप में, अरे जो अधर्मिक रूप में छत्री जा रहे थे उनको जो मारा उनकी पत्नी आ गई। अरे भाई उसमें लिखा है यार, ये इसको पता ही नहीं यार, ये यही तो प्रॉब्लम है ना, वो लिखा है तो बचाने पहुंच गए, कुछ नहीं होता भैया हिंदू धर्म में। प्रॉब्लम ये है मॉरल सर, इनकी नफरत है डॉक्टर अम्बेडकर से। हाँ वही परेशानी, हाँ गांधी की आड़ लेके पहुंच गए यहाँ, ठीक है, नफरत है डॉक्टर अम्बेडकर से, गांधी के कंधे पे तुम लोग चला रहे थे बंदूक, मारे खुद उसको, बुड्ढा को मार दिए भाई। नहीं नहीं ब्राह्मण तुम हो, मारे तुम हो, मेरे को मिल गया है, मैं हूँ ब्राह्मण, तुम्हारे हिंदुत्ववादियों ने मारा है, मान रहा है ना? हाँ, क्यों भाई मान रहा है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, ये देखो भाई, नहीं अब मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम अम्बेडकरवादी हो नहीं, अब तुम अम्बेडकर, सुन लो सुन लो, अब मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब यहाँ से ये जो साबित कर रहा हूँ पढ़ रहे, मैं साबित कर रहा हूं, ये द्रोण पर्व में न्यूटन जी आपको मिल गया, मैं शेयर कर, मेरे बच्चों को दिखा दो न्यूटन सर। हां ये आदि पर्व के अंतर्गत तुम अम्बेडकर के बच्चे बन गए ना, अब अम्बेडकर के बच्चे बन गए बेटा, तू अभी मेरा बच्चा हो, कैसे साबित हो रहा है वो देखना। हां आदि पर्व का ये 64 है, ठीक है 64 अध्याय है ये। अब इसमें ये देखिए ब्राह्मण, आपने ये चले गए, अरे भाग गया, ये तो चले गए, दिखाओ 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 यार, भाग गया, अरे यार चले गए, बड़ा नोटी बच्चा है आपका ये यार, पढ़ दो अब न्यूटन जी चला तो गई, पर पढ़ दो यार, पढ़ दो यार, सुन रहा हूं, राजन यह देवताओं का रहस्य है ऐसा मैंने सुन रखा है, स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व काल में जमद दग्नि नंदन परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय रहित हाँ करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी, तब उस समय भृगु नंदन ने इस लोक को छत्री शून्य कर दिया था। हाँ क्षत्रिय नारियों ने पुत्र के अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी, तो लिखा हुआ है ना, तो यही है भाई, नफरत है डॉक्टर अम्बेडकर से, बाबा साहब से नफरत है, ऋतु काल में ही उनके साथ मिलते थे, ऋतु काल में नफरत है इनकी बाबा साहब से, ठीक है, उसको यहाँ पे गांधी के जरिए सही साबित करने पहुंच रहे भाई। हाँ। लड़का और खुद मारे हैं यार ये लोग गांधी को, ये तो पूरे कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है यार इनकी, राइट विंगर लोग की। यार उस आप यार उसके बाप क्या बने, वो भाग गया यार आपसे, तो चॉकलेट भी नहीं मांगी यार, ये तो नाइंसाफी लेके रखा करो भाई, चॉकलेट। हाँ भाई
अपने बच्चों को चॉकलेट तो दिया करो यार, कैसे कर रहे हो यार भाई, बेचारा भाग गया। अच्छा, क्या लिखा है देखो ना, तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति, मतलब इनका धर्म ये सब है भाई, देख लो यार। हाँ, धर्म पूर्वक, ये जो आके बोलते हैं ना कि धर्म अलग है, मजहब अलग है, रिलीजन अलग है, ये है देखो, तब जाके यार चारों वर्ण फिर से प्रतिष्ठित हो पाए। अरे आ गया, रुको रुको रुको, आ गया यार आपका। हाँ हाँ बुलाओ यार, आपका बेटा आ गया। ये चॉकलेट दो भाई यार, वो रूट गया था यार, चॉकलेट दो यार पहले उसको यार, चॉकलेट चाहिए यार, यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो पढ़ो, पूर्व काल से पढ़ो, पूर्व काल से यहाँ से भागा तो यार महाराणा था, नहीं राणा यार, महा ज्यादा लगा दिया, ज्यादा हो। पढ़ो मेरे भाई जोर से पढ़ो। हाँ भाई पढ़ो, पढ़ो ना भाई, मन में नहीं पढ़ रहा भाई, जोर जोर से पढ़ो, इधर 1000 लोग लाइव देख रहे हैं। क्या मन में ही बात कर लेगा पूरी है। ये पढ़ो ना पूर्व काल, पढ़ना भैया भाई, ये श्लोक पढ़ो महाभारत का। तो मैं क्यों मानूं कि तुम किसका इंटरप्रिटेशन क्या दिखा रहे हो? अरे पढ़ना है पहले, लिखा है उसको, अरे महाभारत है भाई, तुम खोले हो तुम पढ़ो, इंटरप्रिटेशन आप ही कर लेना। चलो हाँ, तो मैं क्या यार, अब मेरे मतलब ये मेरी हालत हो गई है कि अब मेरी संतानें इंटरप्रिटेशन मांग रही हैं। तिवारी जी तो अब अंबेडकर की संतान है, अंबेडकर की संतान है, आप भी सक कर मेरी संतान हो बेटा। अरे और ये कैसे किया, ये आपने ऐसा क्या कर दिया बच्चे को, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। अरे अमित सर आपने ऐसा क्या किया, ये बच्चा पैदा हुए थे यार, ये देखो ना, क्षत्रिय शून्य तुम्हारे, बाकी के क्षत्रिय हिंजड़े थे एक्चुअली में। बाप पे शक कर रहा है यार ये तो। बेटे से भी तमीज से बात करूं। हाँ उधर उधर जब क्या उनका क्या, पढ़ो पढ़ो, इधर उधर मत कूदो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़। अरे पढ़ना भाई, पढ़ ले गुड्डा भैया, पढ़ ले। इंडिविजुअल लाइट्स वाले कहाँ गए, बहुत इंडिविजुअल। अरे पढ़ना, अरे धार्मिक, अरे भाई सनातनी मेरे भाई, पढ़ लो यार, डाल कूद रहे, पढ़ना भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि पहले संस्कृत पढ़ के हो तब पढ़े ना, क्योंकि संस्कृत का इंटरप्रिटेशन। अरे पढ़ना, ये जो नीचे में लिखा है पढ़ना। तिवारी आपके पापा ने इंटरप्रिटेशन किया है। मैंने किया है, तुम्हारे पापा ने, मैंने आपके पापा ने जो मैंने तुम्हारे पापा ने किया है, पढ़ो तुम्हारे हिंदू धर्म के हिसाब से। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मनुस्मृति में लिखा है 10 साल के ब्राह्मण को भी क्षत्रिय को अपना बाप मानना चाहिए। चलो अभी अभी और बना ब्राह्मण मेरे को, और बना न्यूटन जी, अब आप ही पढ़ दो इस बच्चे को, पढ़ दो न्यूटन सर, पढ़ लो। हाँ ये क्या लिखते हैं, पूर्व काल में जमद अग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र के अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नवरत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, ना तो कामवश और ना ही बिना ऋतुकाल के ही। ठीक है, राजन उन सहस्त्रों क्षत्रियाणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः ऋषि क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियाणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सभी संतानें दीर्घायु होती थी। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान, यानी ब्राह्मण आपके पिताजी हैं, ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। आदि पर्व 64, इसकी कुंडली दिखा दो पूरी, पूरी कुंडली दिखा दो, मेन पेज भी दिखा दो, ये पूरा मेन पेज। हाँ वरना बोलेगा पता नहीं किसका इंटरप्रिटेशन मांगने लगे। प्रथम खंड, हाँ प्रथम खंड है ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, हिंदी। हाँ भाई फिर बताओ, फिर से पहुंच जाओ न्यूटन जी 450 पेज पे। अरे इसकी चोंच खोल दे, बताओ यार, अभी बोलेगा उन्होंने। हाँ भाई यार ये क्या है भाई, ये तो अब लो, ये अमित तिवारी तो बाप है तुम्हारे, पिचकारी से होता था क्या आईवीएफ? दशरथ के पिताजी कौन थे फिर, कहाँ पहुंच गया?
तुम्हारे पिताजी की बात हो रही है, दशरथ पे पहुंच गया भाई। तुम्हारे पिताजी अभी तो फिलहाल में अमित तिवारी हैं। अरे और अमित तिवारी के पिताजी अम्बेडकर हैं, अमित तिवारी माने पहले। ये हाल हो गया इसका यार, बताओ यार दोस्तों, ये मेरी औलाद बिगड़ गई है। अम्बेडकर को अपना पापा मान चुके हो अभी मेरा यार। तुम्हारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि तुम जो है ब्राह्मणों की औलादे हो, समझो इसको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, फिर बताओ जिनसे वो यार एक चीज भाई मैंने, जो परशुराम राम से माफी मांगते हैं वो परशुराम क्षत्रिय विहीन आप कह रहे हो, तो वो राम कैसे एग्जिस्ट किए? अरे तो अच्छा एक बात बताओ, ये गलत लिखा कि सही लिखा है? ये तो शुरू में हुआ ना, सृष्टि की शुरुआत में। अंबेडकर कंट्रोल में आके बुद्धि तुम्हारी भी कम हो गई, फिर अब फिर कहीं पहुंच गया ये सब भी बोलो। ये गलत लिखा है कि सही लिखा है? इसीलिए कह रहा हूँ जो मैंने इंटरप्रिटेशन दिया वो सही है। अच्छा यार ये मैंने यार सही कहा था यार, मैंने उस दिन बोला था ना कि यार मतलब यार ये ब्राह्मणों है यार, यार देखो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान क्षत्रिय लोग करते हैं, और फिर भी यार ब्राह्मण ने 21 बार इनका समूल नाश कर दिया, क्षत्रिय भी इन धरती को कर दिया, उसके बाद भी मतलब ये उनका इतना सम्मान करते हैं, इतना अपमान कैसे सह लेते हैं? मुझे समझ नहीं आता यार ऐसा नहीं, मतलब इतना इतना सम्मान क्यों करते हैं उसके बाद भी इनका समूल नाश कर दिया? इसलिए कि भाई ये नियुक्त पिता है, ये तो आप बता सकते हो कि गुड़ बात है, क्योंकि आप यार आपको इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं यार भाई? देखो हाँ गहरी बात है भाई, आपके बेटे जैसे भी हो, मक्कार हो या जैसे भी, 20 बार हम लोगों से इन लोगों ने मेहनत कराई नहीं एक बात तो है भाई, मैं देखो असल बात बताता हूँ, ये कैसे भी हो अब बेटा बिगड़ गया तो क्या हुआ, अभी आपका सम्मान नहीं कर रहा, पर इनके दिल में है बहुत सम्मान ना अभी यहाँ पर, इसलिए अपमान हो रहा है। नियोग पिता हो आप भाई, नियोग पिता हो यार, क्या उसमें तुम्हारी गलती नहीं भाई, वो तो पर लीगल तो पिता तो पिता होता है यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है, है ना? तो इस ये हम इस तरीके से देखते नहीं यार, उसमें आपकी गलती नहीं है, नियोग पिता हैं ये आपके अमित तिवारी जी, वो एक अलग बात है, पर यार इसको हम गलत तरीके से नहीं देखते, क्योंकि अब उसमें क्या ही कर सकते, जब बचे ही नहीं थे कोई क्षत्रिय तो यार उसको समझ ही नहीं आ रहा इतनी देर से यार, मैं क्या करूं। हाँ यार उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें, बचाने आए थे गांधी को, हाँ निकल गई इसकी पोथी खुद। मुझे ना गांधी से लेना है ना तुमसे लेना है, ठीक है? तो आया क्यों यहाँ, तो आया क्यों फिर करने परशुराम से तो लिया था ना तुमने,